नहीं, निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में आज ये हमारा 8वां रैली है और हर अलग अलग जिला में रैली कर रहे हैं और मजबूती से आप देख ही रह सकते हैं कि किस तरीके से समाज के लोग और पार्टी के लोग किस तरीके से हुजूम, हजारों की संख्या में लोग समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से बिहार में निषाद का बेटा ने अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करके और सरकार में हिस्सेदार बन गया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 2022 में मजबूती से 165 सीट पर हम लड़ेंगे और मजबूती से ज़्यादा सीट जीतकर सरकार का हिस्सा आने वाले समय में बनेंगे और इसके लिए पूरे बिहार से हम लोग आए हैं। और मजबूती से आप देख ही रहे हैं कि कोई बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर सब एक ही आ रहा कि मल्ला का बेटा हम सब मिलके हैं, मजबूती से अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पार्टी मजबूती से विस्तार हो रहा है और आने वाले समय में 2022 में हम 165 सीट पर लड़ेंगे, उसकी तैयारी हो रही है। आज मेरा एक ही पॉलिसी है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हम अभी 165 सीट पर लड़ने के लिए तैयारी हैं, हम किसी से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आरक्षण अगर लागू करेगा केंद्र सरकार तो फिर यहाँ पे कोई समझौता हो सकता है, वरना कोई समझौता नहीं। मजबूती से हम लड़ेंगे, भले हम चुनाव हारेंगे, कितना जीतेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब हम लड़ेंगे तो जो लोग निषाद का वोट को अपना जागीर समझ रहा है ऐसे लोगों को कम से कम 100 सीट भी उत्तर प्रदेश में हारना पड़ेगा। और मैं इस बार चुनाव जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए भी मैदान में उतरा हूं और ताकि लोगों को लग जाए कि बिहार से उत्तर प्रदेश में निषाद समाज जागरूक हो गया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। आपने कहा संजय निषाद ने धोखा दिया है आपको, नहीं देखिए, नहीं लड़ने के बाद आप बिहार चले जाएंगे। देखिए, संजय निषाद जी हमारे समाज के बेटा है, हमारे उससे कोई आपत्ति नहीं है, उनकी पॉलिसी अच्छा नहीं है। संजय निषाद जी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, उनके नीति का विरोध करता हूँ। वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे हैं, समय आने पर अपने दुकान के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते, बड़े बड़े पार्टी को एक टिकट पर ले लेते, एक MLC बन जाते, एक सांसद बन जाते और समाज को बीच रास्ते में मझधा में छोड़ देते। तो हमारे उनसे विरोध नहीं, उनकी नीति से हमारा विरोध है कि वो समाज के हक अधिकार की बात करता तो समाज के लिए लड़िए। आज जरूरी पड़ा कि 2022 में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को झुकाता, अपने घुटने के नीचे ला सकता था, उस जगह खुद झुक गए एक MLC पे, तो कहीं ना कहीं समाज के साथ धोखा हो रहा है। और इसके लिए हमें लगता है कि हमें अभी मैदान में उतर के काम करना है। और रहा कि आपने कहा कि हम चुनाव लड़ने के बाद बिहार चले जाएंगे, निश्चित तौर पर हम बिहार के हैं और बिहार में ही राजनीति करेंगे। यहाँ पर तो हम अपने समाज को मदद करने के लिए आए हैं, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, और हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। अभी 1.5 घंटा पहले हम बिहार में थे और अभी यहाँ पे हैं, फिर 1.5 घंटे के बाद बिहार चले जाएंगे। और अभी पहले जैसा नहीं रहा कि नाव से ही हम लोग चलते, अभी उरन खटोला से भी निषाद का बेटा चलने लगा है। तो पूरे प्रदेश में कहीं पे भी जाना पड़ेगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 घंटे में पूरे प्रदेश में कोई भी कोना से कोई भी कोना में निषाद का मल्ला का बेटा पहुँच सकता है। तो हम बिहारी नहीं, हम देश के लिए निषाद के लिए काम कर रहे हैं और सब हमें अपना बेटा मान चुका है और उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई।